विधानसभा परासिया की ग्राम पंचायत उर्धन ओपन कास्ट माइंस कोयला खदान पर चोरों की लगी रहती है नजर। आए दिन कुछ न कुछ माइंस में काफी समय से चोरियां होती आ रही हैं, जैसे कि केबल चालू लाइन पर ही काट कर ले जाना एवं लोहा कोयला और इत्यादि चीजें, जिस पर सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा जान जोखिम में डालकर चोर शिवा पिता दुर्गा प्रसाद कहार उम्र 32 साल एवं दुर्गेश पिता किशन पवार उम्र 30 साल निवासी परासिया को पकड़ने की कार्यवाही की गई, जिनके पास से 56,000 रुपए के तांबे का कटा हुआ केबल बरामद हुआ है, जिसका वजन 6 किलो 800 ग्राम है। सीआईएसएफ के द्वारा हमेशा चोरों को पकड़ा जाता है, परंतु मैनेजमेंट के चलते हमेशा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते हमेशा शातिर चोर छूट जाते हैं और उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ यूनियन संगठनों द्वारा यह भी दोष मैनेजमेंट के ऊपर लगाया जाता है कि इन चोरों की मदद वहाँ के लोगों के द्वारा उन्हें सूचना देकर यह सारी चोरियाँ करवाई जाती है, इसलिए सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा पकड़े जाने वाले चोरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती। इसके पूर्व में भी चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था, किंतु मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी कंप्लेंट नहीं की गई, जिसके कारण पुलिस को उन चोरों को छोड़ना पड़ा। परासिया से अजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मैं लाल झंडा कोल माइंस मजदूर यूनियन सीटू पेंच कनान का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। और अक्सर यहाँ नहरिया उप क्षेत्र में ये देखा जा रहा है कि चोरी होने का जो सिलसिला है, वारदात है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ अब तक करोड़ों रुपये की चोरियाँ हो चुकी हैं, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जब भी एक्शन इत्यादि की बातें की जा रही है तो उसमें मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ के पीछे हट रही है, या जिसकी जवाबदारियों में ये सुरक्षा दिया गया है वो लोग भी हट रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी आग्रह है इस चीज़ से कि ये जो चोरियाँ यहाँ लगातार होती चली जा रही हैं, करोड़ों रुपये की चोरियाँ हुई हैं, ये सभी चोरियों पे तत्काल हम सभी को मिल करके, मैं सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि हम सभी को मिल करके इस पे इसको रोकना चाहिए। और ये जो हर 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 तरह से जो वारदात हो रही है इसको रोकनी चाहिए। चोरी यहाँ के चोर जो है शागिर्द हो चुके हैं, और यहाँ के लोग जो है उन्हें भिड़ा करके बढ़ा के चढ़ा के बड़ा करके जो है धाधली से चोरियाँ करा रहे हैं, दिलेरी से चोरियाँ करा रहे हैं। क्या यहाँ मैनेजमेंट कार्रवाई नहीं करवाता है? मैनेजमेंट कार्रवाई करने में काफ़ी पीछे है, क्योंकि वर्षों से चोरियाँ यहाँ पर हो रही हैं। आज 2 से 3 महीने पहले हमारी यहाँ पर एक ट्रेड यूनियन, हमारे ट्रेड यूनियन के यहाँ पर जो है बाड़ी बना, वो लोगों ने लगातार यहाँ पर लिख करके देने की कोशिश किया कि यहाँ पे चोरियाँ बढ़ रही हैं और महीने में 2 से 4 बार चोरियाँ हो रही हैं, और उसके पूर्व में भी हुई हैं। उसके बावजूद भी मैनेजमेंट इस पर एक तरफा एक तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैनेजमेंट से भी आग्रह करता हूँ, मैं सीआईएसएफ से भी आग्रह करता हूँ, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इसमें सबकी बेइज्जती हो रही है, और ये चोरी का जो रूपरेखा है, ये जो अंजाम दिया जा रहा है, इन सागर चोरों पे जो है कार्रवाई करके उसको बंद किया जाता था।